तो आप में से बहुत लोग शायद ऐसे होंगे जो चेस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, आगे बढ़ना चाहते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर आपने शायद टूर्नामेंट्स को खेलना अब तक शुरू नहीं किया है बट आगे चलकर खेलना चाहते हैं। तो आप किसी भी लेवल पे हो, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, इवन एडवांस लेवल वाले लोग भी इस चीजों को आज रिलेट कर पाएंगे। देखो, एक बहुत ही सिंपल चीज में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाए हैं कि आप चेस टूर्नामेंट में जाकर क्या मिस्टेक्स करते हो कि जिस वजह से आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, या फिर आपका अच्छा रैंक आते आते थोड़े से रह जाता है, हाफ पॉइंट से रह जाता है, 1 पॉइंट से रह जाता है। किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें होती है और क्या मिस्टेक्स है जो आपने, बेसिक मिस्टेक्स जो अवॉइड करने चाहिए किसी भी चेस टूर्नामेंट को खेलते टाइम। तो नंबर वन, फर्स्ट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी करते हैं, कि वो लोग करते हैं रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टूर्नामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नेसेसरी है कि आप एक सही टूर्नामेंट चुनो खुद के रेटिंग, खुद के कैपेसिटी के हिसाब से। अभी अब कोई अगर 700 to 800 के रेंज में है प्लेयर, ठीक है, मतलब मैं ऑनलाइन रेटिंग की बात कर रहा हूँ, कोई लीचेस या chess.com पे 700 से 800 की रेंज में कोई प्लेयर है और वो जाके खेलता है सीधा फेडरेटेड टूर्नामेंट, आप बताओ खुद ही कि उसमें क्या रिजल्ट आएगा, मतलब उसमें क्या चांसेस है। एक माइंड में ये होता है कि नहीं भाई, हमको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एक हमको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये वो। अरे ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको वहां से आके मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, और अगर आपको वही कैरी करना है तो फिर जाओ खेलो, कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे अच्छा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आपको चेस टूर्नामेंट्स खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉन रेटेड टूर्नामेंट्स खेलो। ऐसे टूर्नामेंट्स खेलो कि जिसमें इजियर प्लेयर्स आए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कोई एज कैटेगरी में आते हो, अगर एज अ पेरेंट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके किड्स अगर किसी एज कैटेगरी में आते हैं, जैसे अंडर 11, अंडर 15, तो उस तरीके के टूर्नामेंट्स को आप सिलेक्ट करो और उन्हीं टूर्नामेंट्स में जाकर खेलो। ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम लोग चेस टूर्नामेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, टाइम कंट्रोल। अगर किसी भी टूर्नामेंट का टाइम कंट्रोल 15 मिनट से कम का है, जैसे 10 मिनट्स हो गया वगैरह, कुछ भी हो गया, किसी का भी 15 मिनट से कम का है, तो उस टूर्नामेंट को खेलना पूरी तरीके से अवॉइड करो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ बिगिनर, एज अ इंटरमीडिएट प्लेयर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल वाले तो शायद खेल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दूसरी चीज जो होती है वो है मेनली फियर। अभी आप लोग जाते हो चेस टूर्नामेंट में और वहां पर आप आपका नाम देखते हो कि कहाँ पेयर हुआ है, फिर आप देखते हो ओपोनेंट कौन है, ठीक है, देख लो बोर्ड नंबर देखते हो, और फिर क्या देखते हो, फिर आप देखते हो कि ओपोनेंट की रेटिंग क्या है, ओपोनेंट कौन है, क्या करता है, पूरी उसकी हिस्ट्री निकालने बैठ जाते हो, पिछले राउंड्स में उसने कैसा परफॉर्म किया, पिछले टूर्नामेंट्स में उसने कैसे परफॉर्म किया, ये सारी चीजें, बेफालतू की चीजें आप लोग निकालने बैठ जाते हो। मतलब ओपोनेंट को लेके आप पहले ही डर बना लेते हो, फेडरेटेड ओपोनेंट है, पहले ही घबरा जाओगे कि अरे अभी क्या होगा क्या होगा। खुद के मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने सेम टूर्नामेंट में, मैंने 1200 या फिर 1300 रेटेड प्लेयर से मैंने लॉस लिया है, और उसी टूर्नामेंट के एक दो राउंड बाद 1700 रेटेड प्लेयर को हराया भी है। ठीक है, तो रेटिंग ना इतना मैटर नहीं करता जब तक कोई टाइटल प्लेयर ही ना हो, 2000+ ही क्यों ना हो। इन फॉर्म जो प्लेयर होते हैं, जो प्रॉपर फॉर्म में है, वो उन लोगों की बात अलग होती है। एक नॉन रेटेड प्लेयर भी अच्छा इन फॉर्म में हो सकता है, एक 2000 भी नॉन फॉर्म में हो सकता है। तो रेटिंग के पीछे जाके खुद के मन में डर बैठाओ मत, पहले देख लेते हो कि ये इसकी रेटिंग है, कोशिश करता हूं कि ड्रॉ हो जाए। अरे आप ड्रॉ का माइंडसेट लेकर जा रहे हो, जीतना तो दूर की बात है, जीतना तो मतलब आपने वैसे ही एक पॉइंट वैसे ही छोड़ दिया है खुद का। ठीक है, तो ये फियर वाली चीज बिल्कुल मत करो। थर्ड चीज, कामनेस, या फिर बोलेंगे पेशेंस, बहुत लोगों में ये है ही नहीं, है ना। एक टूर्नामेंट का अगर लॉस हो जाता है तो, सॉरी, एक मैच का लॉस हो जाता है किसी टूर्नामेंट में, सेकेंड इसमें वो कैरी फॉरवर्ड होगा, कामनेस ही नहीं है बिल्कुल भी, उस चीज को लेके टेंशन रहेगा, पेशेंस लिए। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है लॉस हो गया बैठ जाओ, हाँ अगर जीत भी गए तो भी वही चीज कि अरे वाह जीत गए अभी नेक्स्ट मैच में और मजा करेंगे, अरे ऐसे सब चीजें नहीं करनी होती है। किसी भी टूर्नामेंट में जाओ तो थोड़ा पेशेंस रखो,
थोड़ा पेशेंस के साथ अपनी चीजों को कंटिन्यू करो, पेशेंस के साथ खेलो, थोड़ा माइंड को काम रखो। आपको 8 राउंड 9 राउंड खेलने हैं एक दिन में, 5 राउंड आप अच्छे से खेल लेते हो, 4 राउंड में आपको खेलते ही नहीं आता है, खुद की हुई ओपनिंग से भूल जाते हो, फिर क्या फायदा है ऐसे टूर्नामेंट्स खेलने का? आप खुद ही सोचो ना, 9 राउंड का टूर्नामेंट है तो आपको सारे के सारे राउंड्स अच्छे से खेलने की कोशिश करनी है। उसके लिए कालमनेस, पेशेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज जो बहुत लोगों के साथ मिस्टेक होती है, बिगिनर्स इंटरमीडिएट इन सबके साथ, एक बहुत ही छोटी सी चीज है, चेस के रूल्स पता होना। अरे टूर्नामेंट में जा रहे हो, कम से कम चेस के रूल्स तो पता कर लो। ऐसे भी लोग हैं, वहां जाके कर देते हो इलीगल, दो हाथ से खेलने लग जाते हो, क्लॉक कैसे यूज करना है पता नहीं, हो सकता है किसी का फर्स्ट सेकेंड ही टूर्नामेंट हो। अरे इवन एक्सपीरियंस लोग भी ये चीजों को मिस्टेक करते। तो अगर मैंने एक चेस टूर्नामेंट के रूल्स को लेकर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहिए तो उसको आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर लो, क्योंकि और वो मेरा बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, बहुत लोगों ने उसको देखा है, बहुत सारे उसके ऊपर व्यूज भी है। उसके दो पार्ट्स मैंने बताया बनाए हैं, फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप उस वीडियो के या इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो भाई चेस रूल्स की, भाई टूर्नामेंट में खेलना क्या है उसके रूल्स देख लो एक बार, एक बार देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका जितना लंबा एक गेम होता है ना, उससे भी छोटा वो वीडियो है, बट आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छे से आ जाएगी। तो प्लीज आप एक बार तो भी उस चेस टूर्नामेंट के रूल्स को देख लो। अभी पांचवी चीज ये है प्रैक्टिस। आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं ली चेस चेस डॉट कॉम पे बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ, बहुत सारा मैं पजल्स करता हूँ, तो फिर तो बिल्कुल मेरी तो प्रैक्टिस अच्छे से, ऐसे कैसे बोल सकते हो? प्रैक्टिस प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑन द बोर्ड। आप खेलने जा रहे हो ऑन द बोर्ड इवेंट, बोल रहे हो कि मैंने ली चेस चेस डॉट कॉम की प्रैक्टिस की। किसी भी बड़े प्लेयर को उठा लो, हिकारू को छोड़कर, क्योंकि हिकारू मतलब स्ट्रीमर भी है तो इसलिए हम उसको यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते, बट जो प्रॉपर और प्रोफेशनली खेल रहे हैं और जो एक्टिवली स्ट्रीमिंग नहीं करते वगैरह, जैसे हमारे इंडिया की ले लो, गुकेश हो गए, प्रज्ञानंदा हो गए, या हमारे प्रीवियस लेजेंड को ले लो, विश्वनाथन आनंद सर हो गए, ये लोग आपको लीचेस चेस डॉट कॉम पर खेलते दिखते हैं क्या? हमेशा खेलेंगे वो लोग, मना नहीं कर रहा हूं मैं कि वो खेलेंगे ही नहीं, बट आप खुद थोड़ा सा खुद ही सोचो कि वो ज्यादा कहाँ खेलते होंगे। क्या वो ऑन द बोर्ड ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं या फिर वहां पर जाकर लीचेस पर प्रैक्टिस करते? आप बोलोगे कि लेकिन ऑन द बोर्ड खेलने के लिए तो हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। अरे तो एक मैं आपको चीज बताता हूँ, उस चीज का मेरे पास सॉल्यूशन भी है। और एक चीज ना आप लोग याद रखो, फालतू चीजों में ना आप लोग शायद बहुत खर्चा करते होंगे। किसी को शायद अभी जैसे जो लोग 18+ है और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको चाहिए रहेगा महंगा फोन चाहिए, महंगी कोई चीज चाहिए, लेकिन खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के यूनिकनेस के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, बस दूसरे के पास है उसको लेके कोई चीज चाहिए। ये चीज आप लोगों के दिमाग में रहती है। तो आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास में ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस। आप बिना, ठीक है सुन लो अच्छे से, बिना किसी ओपोनेंट के कैसे ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऑन द बोर्ड विजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। लीचेस पे बोर्ड अलग दिखता है, ऑन द बोर्ड अलग दिखता है, टैक्टिक्स नहीं आते हैं, ठीक है? तो आप एक इस चीज को याद रखो, तो आप वो सॉल्यूशन भी एक बार देख लो। वो सॉल्यूशन जो आपको ऑन द बोर्ड में हेल्प करेगा वो है ये चेसनट के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक चेस बोर्ड। अभी आप बोलोगे दिखने में तो ये सादा सिंपल वुडन का बोर्ड दिखता है, बट नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक चेस बोर्ड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर से लाइट शुरू हो जाता है। अभी इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, इसमें एक तो आपको प्रीमियम पीसेस मिलते हैं, अमेजिंग वुडन बोर्ड मिल जाता है, उसके अलावा ये 4 वेबसाइट्स पे सपोर्टेड है, chess.com, लीचेस, चेसेबल, चेस किड। आप किसी पर भी अगर खेलते हो तो डायरेक्टली आप बोर्ड पर खेल सकते हो। यहाँ पर आपको लाइट्स के थ्रू पता चलता है कि आपके ओपोनेंट ने क्या मूव खेला हुआ है, वही मूव आपको करना है, और खुद का मूव आप जो भी करोगे वो आपके chess.com पर, लीचेस पर, जिस पर भी आप खेल रहे हो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और आपकी बहुत अच्छे से ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ये बाय करना है तो मेरे लिंक से करना, क्यों? क्योंकि आपको इसमें हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा 15-17% का अगर आप इसको बाय करते हो तो। और भी आप प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हो चेसनट के, जो आपको पसंद आएगा वो आप बाय कर सकते हो। ओके, तो अभी सिक्स्थ चीज जो है वो है प्रैक्टिस। करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप 6 मंथ्स, ठीक है 6 महीने तक कंटिन्यूअसली अगर आप चेस के टच में नहीं हो तो फिर आप चेस टूर्नामेंट खेलने के बारे में सोचो भी मत।
कम से कम आप 6 months कंटिन्यूअसली या फिर रेगुलरली, थोड़ा थोड़ा तो भी रोज, थोड़ा सा पजल्स बोलो, गेम्स बोलो, ये चीज आपकी कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। तब आप जाके टच में रहोगे और तब जाके आपका एक अच्छा स्कोर आएगा किसी भी चेस टूर्नामेंट में, तब जाके आपका रेटिंग बढ़ेगा, तभी जाके आपका स्किल बढ़ेगा। और एक चीज आप कभी भी याद रखो, जब भी टूर्नामेंट है, कम से कम, ठीक है मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम उसके 2 weeks पहले रोज के आपके 50 पजल्स होने चाहिए। 50 पजल्स डेली आपको 2 हफ्ते तो भी करने ही पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप इससे कम करते हो तो आपका कोई लॉजिक ही नहीं है चेस टूर्नामेंट खेलने का। अच्छे से आप बिना प्रैक्टिस किए जा रहे हो तो आप वहां पे जाके क्या स्कोर करोगे? प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होती है, ठीक है? पजल्स तो करनी है, गेम्स भी खेलने हैं डेफिनेटली। 2 से 3 गेम ही खेलो रोज के, वो भी चलेगा। 10 10 गेम मत खेलो, ठीक है? 2 से 3 गेम रोज के खेलो, 50 पजल्स करो। लेकिन इन सब का फायदा ये होता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर, और जो वो टैक्टिक्स होती है, स्किल होती है कि भाई सेक्रीफाइस करते हैं पीसेस को, वो जो मेंटेलिटी है वो डेवलप होती है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो। और 7th और फाइनल चीज ये ना, बहुत से किड्स करते होंगे, ठीक है? और जो भी अगर आप एज अ पेरेंट इसको देख रहे हो तो आप आपके बच्चे से ये चीज मत करवाओ। हर दूसरा टूर्नामेंट खेलने पहुंच जाते हो, ये क्या बात हुई? मतलब आप खुद सोचो, ये संडे टूर्नामेंट खेला, बच्चा 6 दिन स्कूल गया, अगले संडे टूर्नामेंट खेला, 6 दिन स्कूल, अगले दिन, अगले संडे टूर्नामेंट, कहाँ से स्कोर आएगा? मतलब आप आपके बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो, सीधा सीधा जा रहे हो टूर्नामेंट, हर टूर्नामेंट में पहुंच गए। मैंने देखे ऐसे लोग, हर कुछ बच्चों का नाम ऐसे हर टूर्नामेंट में ऐसे फाइनल ही रहता है कि ये तो आएगा ही आएगा, ये लड़की तो आएगी ही आएगी, बिल्कुल ऐसा उसका नाम रहता है। अरे मत करो ऐसा, हर दूसरा टूर्नामेंट खेलने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, खुद के कैपेसिटी के हिसाब से टूर्नामेंट चूज करो और वही खेलो, हर दूसरा टूर्नामेंट खेलने मत पहुंच जाओ, ठीक है? और इतनी चीजों को आप लोग याद रखो, सिर्फ आप ये 7 चीजें करेक्ट कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर डेफिनेटली आएगा टूर्नामेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है चेस बोर्ड का, आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लो, कम से कम देख तो आओ कि चीज क्या है, खरीदना नहीं खरीदना है बाद में की बात है। और एक चीज आप याद रखना, अगर आप इंडिया में उसको ऑर्डर करते हो तो कस्टम्स ड्यूटी भी लगती है, तो आप थोड़ा सा कस्टम्स ड्यूटी भी देख लेना, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी लगती है, तो बस उतना आप लोग ध्यान रख लेना, ओके? नहीं तो बोलोगे कि अरे भाई ये क्या एक्स्ट्रा चार्ज लग गया, तो मैं अभी से आपको बता कर रख रहा हूँ। अभी मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।